इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी है, मौतों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों के भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों की हालत अब भी बेहतर नहीं है, कोविड वार्ड की कैफियत तो पनाह मांगने जैसी है। हुकूमत की नाकामी इसे साफ झलकती है। हुकूमत ने कोविड सेंटर का कयाम किया है पर आवाम इसकी सहूलतों से महरूम है। क्यों आखिर हुकूमत इंतजामिया सेहत महकमा इसके तफसीलात क्यों शाया नहीं करते कि कितने बेड हैं और कितनों की जरूरत है? अगर नहीं है तो इसका तफसील सरकारी अस्पताल की जानिब से किया जाए ताकि मरीजों को दूसरे अस्पतालों का रुख करने में आसानी हो। अगर सेहत महकमा मरीज का इलाज करने से कासिर है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी? अगर बेड ना काफी है तो इसके लिए भी किसे जिम्मेदार ठहराएगा? आखिर बढ़ते मौतों का आंकड़ा किस तरह सेहत महकमा की नाकामी को उजागर करता है? सरकारी अस्पताल का रुख इसलिए भी किया जाता है कि गरीबों मजदूरों के लिए मुफ्त में बेहतर इलाज हासिल हो। ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल में सभी गलत ही चल रहा है, पर जो चल रहा है वो भी सब कुछ ठीक नहीं है कि सैकड़ों लोग, खासकर बुजुर्ग जिनके घरों की हालत मुनासिब नहीं है, इनके लिए तो सरकारी दवाखाने ही तो सहारा होते हैं। अब तो लॉकडाउन के बाद कोई कारोबार नहीं, मजदूरी नहीं, लिहाजा कई गरीबों को, मजदूरों को बीपी शुगर की गोलियां भी हासिल करना दुश्वार हो गया। कुछ मामलों में बुजुर्ग कहने से डरते हैं, पर यह सच्चाई है कि घरों में बच्चे ठीक ठाक कमाने के बावजूद अपने वालिदैन की सही देखभाल नहीं करते, और यह सच्चाई है। कहने में कुछ अलग सा लगता है, आपको सुनने में भी कुछ अलग सा हो लगता हो, पर कई बूढ़े वालिदैन को चलते चलते सिविल अस्पताल जाकर बीपी शुगर की गोलियां हासिल करते देखा है, और इनके बच्चे दीन की बातें लोगों को सुनाते रहते हैं, आखिरत का बयान करते रहते हैं। आज भी ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं कि बुजुर्ग पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया, कहते हैं 10 औलाद की परवरिश वालिदैन करते हैं, एक माँ बाप की बुढ़ापे में देखभाल करना बच्चों पर भारी होता है। बुजुर्ग खातून पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, पर अब सवाल आया कि अपनी वालिदा को कौन घर ले जाएगा? कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। इसी बहस में 2 दिन चले गए और अस्पताल में रखा गया, आखिर अस्पताल में इंतकाल हो। अब ये कौम जलील ना होगी तो और क्या होगा? मौतों के बढ़ते आंकड़े हुकूमत की नाकामी बयान कर रही है। शुरुआत में मरीज कम थे तो सिविल अस्पताल में भी सब ठीक ठाक था, पर जैसे मरीज बढ़ने लगे मुश्किलें भी बढ़ने लगी। पर सवाल यही उठता है कि कहां है करोड़ों के ऐलान जो कोविड के दरमियान किए गए? अगर आए हैं तो कहां खर्च हुए? इसका ब्यौरा देना सेहत महकमा की जिम्मेदारी है। बेलगाम में मुसलमानों का अंजुमन मरकजी कब्रिस्तान है तो सदाशिव नगर, शाहपुर, वड़गांव और भी दीगर जगहों पर हिंदू शमशान है। हासिल इत्तला के मुताबिक एक साथ कई मौतों की वजह से वेटिंग करना पड़ रहा है। जुलाई में कोरोना से सिर्फ 15 लोगों की मौत दर्ज हुई तो तेज रफ्तार से बढ़ती मौतों की तादाद ने अगस्त सिर्फ 15 दिनों में 200 लोगों की मौत की इत्तला हासिल हुई है। अवाम के जहन में यह भी बात बैठी है कि अगर अस्पताल जाते हैं तो मौत यकीन है, और इसी डर की वजह से कईयों को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। क्या अवाम की परेशानी हुकूमत खत्म करेगी या यूं ही लोग मरते रहेंगे? ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया है। शायद अब कोरोना के साथ जिंदगी जीना आप लोगों ने सीख लिया, या यूं कहे कि जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए लोगों ने घर के बाहर निकलना शुरू किया है, पर कुछ हिदायत हुकूमत की जानिब से देने के बाद आवाम नजरअंदाज करती दिखाई दे रही। पिछले 5 महीनों से दूसरी रियासतों में दाखिल होने के लिए पास की जरूरत पड़ती थी, ई पास लेना पड़ता था, खासकर महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए ई पास लिया जाता था, पर अब तमाम पाबंदियां हटा दी गई और अब किसी भी रियासत में दाखिल होने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। बेलगाम, कोल्हापुर अक्सर लोगों का आना जाना है, महाराष्ट्र से कारोबारी ताल्लुकात काफी है, लिहाजा बंबई बेलगाम सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। जिनके कारोबार ठप थे उनके लिए यह एक राहत की इत्तला कह सकते हैं। कोगनोली नाके पर जो तहकीकी दफ्तर यानी चेक पोस्ट लगाए गए थे, इन्हें हटाने का हुक्म मरकजी हुकूमत ने दिया। तकरीबन 6 महीने के बाद यह रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ, अब किसी पास की जरूरत नहीं होगी। पूरे मुल्क में इसे लागू किया गया। वाजा रहे कि इससे पहले कर्नाटक में दाखिल होने के लिए पास की जरूरत लेनी पड़ती थी, और महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए भी यही तरीका था। रियासतों की सरहदों को बंद करने से भी काफी दिक्कत मरीजों को उठानी पड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक की सरहदों पर जो गांव है, खास
खासकर रथनी रायबाग कुर्ची निपानी यहाँ के मरीज कोल्हापुर सांगली मिरज में अपना इलाज करवाते थे जिन्हें बेलगाम के लिए काफी दूरी का सफर तय करना पड़ता था। पर कोविड का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि सरहदों को बंद किया जाए, लेकिन इससे नुकसान भी काफी हुआ। जो मरीज महाराष्ट्र नहीं जा पाए इनका इलाज ना होने से मौत होने की तरह भी कई बार हासिल हुई है। बेलगाम अस्पतालों को लाते वक्त कई मरीजों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कई लोग रिश्तेदारों की मैयतों में यानी कि दफन विधि में भी शरीक न हो सके। पर अब दोनों रियासतों के रास्ते खुलने से इत्मीनान की सांस ली जा रही है। पर क्या रियायत जो हुकूमतों की जानिब से दी जा रही है और बढ़ते मरीजों की तादाद, आखिर कोरोना को लेकर हुकूमत की क्या पॉलिसी है? आवाम की समस्या तो बाहर दिखाई दे रही है, क्योंकि क्या लॉकडाउन सही था या बाजारों को सरहदों को खोलना सही है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।